ये देखिए, यहाँ की शाखा को हमने हटा दिया है। अब मैं आपको जो है दिखाना चाहूँगा कि इसकी क्या शेप बन के आ गई है। मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि 5.5 इंच की जो है इसकी मेन स्टेम की थिकनेस हो चुकी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब ये देखें, इस पे हम जो है एक इस टाइप से हमने एक बड़ तैयार कर रहे हैं। अब देखें आप, ये पूरा बोनसाई है। गार्डनर बाई पैशन में आप सबका स्वागत है। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। पेड़ प्लांट को जब प्रिपेयर किया जाता है तो उसके साथ बहुत समय तक बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। देखिएगा, ये मेरा एक जेट प्लांट जो है, ये देख पा रहे हैं आप, बहुत मोटी शाखाओं के साथ डेवलप हो रहा है। अभी मैंने इसको बोनसाई पॉट नहीं दिया है, जो मैं बाद में प्रोवाइड करूँगा। अभी मैं इसकी डेवलपमेंट में लगाऊँ, लेकिन उसके समय समय पर उसको प्रूनिंग देनी पड़ती है, ताकि जहाँ हम चाहें वहीं पे उनकी अच्छे से ग्रोथ हो। क्योंकि जो बिना ज़रूरत की जो ग्रोथ हो जाती है, उससे जो है प्लांट की जहाँ हमें ग्रोथ चाहिए होती है वो इफेक्टेड हो जाती है। तो कैसे हम इसको समय समय पे जो है प्रिपेयर करते हैं, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय होता है। जनरली एक आम व्यक्ति ये सोचता है कि सी थोड़े समय में एक बोनसाई जो है खड़ा हो जाता है, जबकि इसके ऊपर वर्षों की मेहनत छुपी हुई होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, इसकी स्टेम देखिए कितनी थिकनेस ले चुकी है, और इसकी हर डाल जो है अपने आप में बहुत थिकनेस ले चुकी है। अब इसमें भी अगर हम प्रूनिंग नहीं करेंगे तो एक तो ये डी शेप होता जाएगा, और ये जो इसकी फॉयलेज बढ़ के आ रही है, इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें हमारा सारा ध्यान जो है इसको कंप्लीट करने में कंसंट्रेट होना चाहिए। अब जो है इसकी प्रूनिंग स्टार्ट करते हैं, और मैं दिखाना चाहूँगा कि इसकी स्टेम कितनी मोटी हो चुकी है। इसको मेरे पास, मेरे को जो है तैयार करते हुए 5 साल हो गए हैं। ये देखिए, ये 5.5 इंच का जो है इसकी मेन स्टेम हो चुकी है। आप देख पा रहे होंगे, मैं इंची टेप रख के दिखा रहा हूँ। और 2.75 इंच की देखिए इसकी जो ये और स्टेम है, इनकी जो है थिकनेस हो चुकी है। तो 3.75 इंच की थिकनेस जो है तैयार है इनकी, सब ऑलमोस्ट सब शाखाओं की। एक शाखा ये भी मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिएगा, ये 4 इंच की थिकनेस अकेली ये शाखा ले चुकी है, ये शाखा है, देखिए आप। तो इसको जो है समय समय पे जो है प्रूनिंग की आवश्यकता होती है। तो अब हम आपको जो है प्रूनिंग करके दिखाते हैं कि इस टाइप के जो छोटे छोटे होते हैं, इनको हम हाथ से भी ऐसे कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं। जो ना हो उसको आप सीजर से लें, और जो आराम से हो रहा हो उसको आप हाथ से भी कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, नीचे से एक शाखा निकल आई है। ये जो इसकी देखिए, जहाँ पे इसकी रूट्स जा रही हैं वहाँ से भी शाखाएं निकल रही हैं। ये सब भी हमें प्रून करते रहनी है, और जब ये बिल्कुल हमारे हिसाब से बिल्कुल तैयार हो जाएगा, तब हम इसको जो है एक अच्छा सा बोनसाई पॉट प्रोवाइड करेंगे। देखिए, कुछ इस ढंग से भी हम कट मार देते हैं, ये अपने आप को हील अप कर लेता है। यही जेट प्लांट की जो है खासियत है। देखिएगा, ऐसे अनवांटेड शाखाएं निकल आती हैं, तो इनको भी हम यहाँ से प्रून करेंगे। अब ये देखिएगा, इसको हम शेप देने के लिए एक टोपियारी का सा शेप यहाँ पे बनाएंगे, और इसको जो है हम यहाँ से प्रून करते रहेंगे। तो इसके यहाँ से, जहाँ से हम प्रून करते हैं वहाँ से डबल शाखा निकल के आती है, और बोनसाई जो है अच्छा सा रूप लेता है। इसको ऊपर लेके आ रहे हैं, और यहाँ हम एक बड तैयार कर रहे हैं। इसकी हम बड़े आराम से बाद में एक वीडियो शेयर करेंगे, आप बहुत सरप्राइज करेंगे। ये एक ऐसी टोपियारी है जो हज़ारों में एक मिलेगी आपको देखने को। ये एक बड़ तैयार हो रही है, तो जो है ये देख पा रहे हैं आप। तो इसके जो अभी ये डेवलप होने छोड़ रखा है हमने, और ये ऊपर जो है हम एक बड़ तैयार कर रहे हैं, तो अभी इसको हम नहीं छेड़ेंगे। देखिए, हमने यहाँ पे एक हल्का सा टोपियारी खड़ी की है। अब ऐसे ही इसकी तरफ जाएंगे। अभी जो हम प्रून करेंगे, ये एक बहुत ही स्पेशल प्लांट बन के तैयार हो रहा है, जिसकी
कुछ भी कॉस्ट है, कुछ भी मतलब आप देने वाला और लेने वाला तैयार होना चाहिए, कुछ भी कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही है कि इसके ऊपर की शाखा में एक बड़ तैयार हो रही है, मतलब ये पूरा नीचे बॉन्साई चल रहा है। ये ऐसे जैसे कि आप नदी किनारे जो है आपका कोई पौधा गिरता हुआ सा होता है, उस ढंग से इसकी शेप दी गई है और ऊपर से जो है इसमें एक बड़ बैठी हुई दिखाई गई है। ये देखिए पूरा इसका बर्ड जो है, इसका फेस जो है अभी हम पूरा नहीं काट रहे हैं, जब हम इसके भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे जब इसको हम फाइनल शेप देंगे। अभी हम आपको खाली एक ऊपर से लुक दिखा रहे हैं कि किस ढंग से एक बर्ड की शेप बनाई जा रही है, क्योंकि अभी पूरी तैयार नहीं हुई है इसलिए अभी इसको बताने का ज़्यादा यूज़ नहीं है। लेकिन ये देखिएगा ये इसके पीछे के पर तैयार किए जा रहे हैं, ये इसका फेस तैयार किया जा रहा है। तो इस ढंग से जो है अब इस पे जाते हैं। दोस्तों आप कमेंट में मुझे बताने का प्रयास करें कि मुझे इस शाखा को डेवलप करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। ऑलरेडी इतना ज़्यादा समय मैं इस पर लगा चुका हूँ, लेकिन अगर इस शाखा को इतना मोटा होने के लिए कम से कम 3-4 साल और लग जाएंगे, तो आप बताएं कि मुझे इसका क्या करना चाहिए। मैं आपको जो है इसका पूरा एक लुक दिखाने का प्रयास करता हूँ। अब देखिएगा आप इसकी शेप किस ढंग से जो है इसको हटा के कैसी शेप निकल के आ रही है।